तो फाइनली दोस्तों आज क्या है, कुछ अलग ही बातें करने वाला हूं। तो अगर आप लोग जॉब के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, जॉब का अपडेट आपको डेली मिल ही जाता है। कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ आप लोग भी शेयर कीजिए कमेंट्स के माध्यम से, बता देना कुछ, मैं भी आपके माध्यम जो तो आपको कुछ चीज़ें बताना है। तो फाइनली अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो इस समय क्या है कि लगभग सभी स्टेटों में लॉकडाउन क्या है कि ऑलरेडी खुला हुआ है। हालांकि अगर मैं बात करता हूँ तमिलनाडु है, कर्नाटक है या महाराष्ट्र है, यहाँ पर भी अभी 15 अगस्त तक कुछ बाउंडेशन था, हालांकि कंपनियों वगैरह क्या है यहाँ पर ऑलरेडी खुला हुआ था, लेकिन जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर था यानी जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं या और भी जो हमारे संस्थान हैं वो, उनमें थोड़ा कुछ पाबंदियाँ लगाई गई थी 4 बजे तक। यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूँ कि महाराष्ट्र के मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो यहाँ पर जो होटल रेस्टोरेंट है 4 बजे तक यानी 4 बजे तक शाम को ही खुल रहे थे, लेकिन अब 15 अगस्त के बाद क्या है, गवर्नमेंट ने यहाँ का क्या है कि रूल बढ़ा दिया है कि 10 बजे रात तक खुलेगा। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। अगर मैं बात करता हूँ कोरोना पेंडेमिक की, तो ये इसका भी ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। हालांकि कुछ जगह में जैसे केरल है या और भी जो कुछ जगह है महाराष्ट्र ही है, हालांकि महाराष्ट्र में तो केसेस कम ही आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर केरला में थोड़ा केस ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको, अगर आप लोग अभी भी जॉब नहीं कर रहे हो, आपको वेट कर रहे हो कि हमें कोई कंपनी अच्छी मिल जाए, या बहुत से भाई ऑलरेडी हालांकि जॉब में जा चुके हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग फाइनली अभी तक नहीं गए हो, कोई भूल चूक से भी बचा हुआ है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको अभी जो ज़्यादा दिन आपको नहीं रुकना चाहिए, आप कहीं पर जा सकते हो, होटल रेस्टोरेंट में जाइए आप, 15,000-20,000 आपको यहीं पर मिल जाएगा, क्योंकि मुंबई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा है, कंपनियाँ भी यहाँ पर हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। और कुछ ये नई चीज़ें हैं दोस्तों कि आप जो आपका जो भाई है यानी आप जो है, तो अब जो जॉब की इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वेबसाइट यूट्यूब में दोनों जगह पर देख सकते हैं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। यहाँ पर बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, एक एक वीडियो या कोई भी कंटेंट आपको दिया जाता है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, बहुत भाई यहाँ पर ये हल्के में लिए होते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर दे दिया जाता आराम से, बहुत मेहनत लगती है, आपका टाइम भी हम लोगों का ख़राब होता है। तो आप लोगों से यही कोशिश रहती है कि आप लोग उसको, आपका जितना हेल्प होता है वो हमारे माध्यम से हो जाए, ऐसा ना हो कि आपका उससे टाइम ख़राब हो और आपको डिस्ट्रक्शन आए और आपको ये लगे कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों यही कोशिश अपनी रहती है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आप iitcampus2021.blogspot.com गूगल में, क्रोम में, कहीं पर जाके सर्च कर सकते हो। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में और आपके गांव वगैरह, आपके शहर में जहाँ पर भी हो, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों क्या है, बेरोजगारी हालाँकि बहुत ही ज़्यादा है इंडिया में, बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा है, पर कोशिश ये रही है कि छोटे छोटे ही जो रोज़गार है आपको दिया जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको 50,000-60,000 का हर महीने का जो रोज़गार है मैं गारंटी देता हूँ, पर यह भी है कि आपको 15,000-20,000 है इतने का आपको ज़रूर बेनिफिट मिल जाएगा। हालांकि एक एक कोशिश ये रहती है कि जितना ज़्यादा आपका फ़ायदा हो उतना ही ज़्यादा जो है तो हमें आनंद आता है और हमें जो है तो ये खुशी होती है। आज यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके सामने जो भी बातें की जा रही है इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से भाई हमारे कमेंट्स कई बार कर देते हैं कि हम इतने परेशान हैं, तो कई बार क्या है मन ये करता है दोस्तों कि हम ये क्या करें, अगर हमारी हेल्प नहीं, हमारे माध्यम से कोई का हेल्प नहीं हो रहा है तो फिर ये बेकार है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि जो भी भाई परेशान है वो कमेंट ज़रूर करना, अगर आप कमेंट्स करते हो दोस्तों तो हो सकता है मैं आपसे बात कर लूँ और आपका जो भी हमारे द्वारा हो सकता है वो आपको मदद ज़रूर की जाएगी। तो ये सब पूरा डिटेल्स था, बाकी यूट्यूब का तो आपको मालूम होगा कि नेक्स्ट वॉरियर्स जॉब आप सर्च करते हो यूट्यूब में तो आपको आईटी के रिलेटेड, नॉन आईटी रिलेटेड हर तरह की जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट किया जाता है। अगर बात करते हो आप किसी भी स्टेट के दोस्तों, कई बार होता है कि स्टेट का बाउंडेशन होता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ जाता है, तो अगर आप लोग साउथ रीजन के हो तो इंग्लिश वगैरह भी आपको आना ज़रूरी है, मैं आपको ज़रूर वहाँ पर समझा देता हूँ, इंग्लिश से भी समझा देता हूँ जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहता है। तो अगर आप लोग बिहार है, MP, UP अदर स्टेट के हो, इनके यहाँ पर उत्तर भारत के हो, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब है, यहाँ के हो अगर आप लोग, तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प यहाँ पर किया जाता है। तो ये है पूरा ऑफिशियल जो भी चीज़ें यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, यही आपको बताना था कि आप वेबसाइट में देख सकते हो, यूट्यूब में भी देख सकते हो, बाकी आपका जो भी क्यूरी है, अगर आप लोग जाना चाहते हो, होटल वगैरह में जॉब करना चाहते हो,
बहुत से भाई हमारे दिलीप बीडकॉन जो कंपनी है उसका भी नंबर वगैरह मांग रहे थे। तो देखिए दोस्तों अभी जो वैकेंसी, बहुत से भाई हमारा पुराना वीडियो देखते हैं तो उनका क्या है, डेट कई बार चला जाता है तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता है कि कोई भी एक आदमी बोले, दो आदमी बोले तो फिर से इतनी बड़ी कंपनी में भर्ती निकाली जाए। जब वहाँ पर 200-300 पोस्ट खाली हो जाती है तो कंपनी खुद ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करती है और कैंडिडेट्स को जो है तो ऑफर लेटर देती है। तो ये किसी के हाथ में नहीं होता है क्योंकि ये कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है और कंपनी के ऊपर भी नहीं डिपेंड करता है। ये एक शर्त ये मान लो कि अगर कंपनी को जैसे कोई भी ऐसा तो है नहीं कि कंपनी बंद पड़ी है, कंपनी ऑलरेडी चल रही है, लॉकडाउन भी चल रहा था तो भी कंपनी चल रही थी। तो अगर कोई जॉब छोड़ेगा ही नहीं, अगर कंपनी में जॉब की जरूरत होगी ही नहीं तो भर्ती क्यों किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पेमेंट ऐसे खाली हाथ बैठाने का कोई नहीं देता है। तो ये है कि अगर भर्ती होती है, कोई जॉब छोड़ता है या नया कंपनी का कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है, कंपनी में क्या है कि विस्तार किया जाता है, कर्मचारियों की भर्ती होती है, तो इसका इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही जल्दी मिलता है। बहुत से भाई हमारे कमेंट्स करते थे कि कैंपस से है, कल लग रहा है, आपने आज वीडियो बनाया, तो उसका ही ये सोल्यूशन है कि itcampus2021.blogspot.com माध्यम से आपको जितना जल्दी पॉसिबल हो। अब मैं आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि YouTube में आपको डेली जॉब का अपडेट तो मिलता ही है, पर YouTube से पहले आप itcampus2021.blogspot.com डेली विजिट कीजिए, उसमें 2 से 3 बार विजिट कीजिए, सुबह, दोपहर, शाम को। हो सकता है आपके काम की कुछ वैकेंसी वहाँ पर निकल जाए तो आपका वहाँ पर हेल्प हो जाए। अब यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ दोस्तों कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देखने से पहले, जो भी उसमें इम्प्लीमेंट या उसको अप्लाई करने से पहले, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी नोटिफिकेशन देखा, उसमें आपको अगर नंबर मिलता है, ईमेल मिलता है या अगर गूगल लिंक मिलता है, आप फॉर्म भरते हो तो यहाँ पर आपको कन्फर्म एक बार, दो बार, तीन बार अपने लेवल में उसको जांच परख लेना है, इसके बाद उसको अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप लोग ज्वाइनिंग के लिए फिर कई बार पैसे वगैरह मांगे जाते हैं तो मेरा मकसद ये रहता है कैंडिडेट्स को कोई परेशानी ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको इन्फॉर्मेशन मिले और उसकी जितना ज़्यादा हो सके वो हेल्प कर सकूँ मैं। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों कि कई बार होता है कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंसी वाले क्या है कैंडिडेट्स का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है तो मेरी ये बिल्कुल मंशा नहीं रहती है कि मैं उनको बोलता हूं, पर आप लोग को इसलिए बोलता हूं कि हर आपको 2 से 3 स्टेप में एक बार जाँच करना चाहिए, इसके बाद ही कोई कदम आपको उठाना चाहिए। तो ये पूरा आपसे बात है। बाकी आप लोग अगर कुछ भी आपका क्वेश्चंस है, आपका जो कमेंट्स है, आप आईटीआई से पास हो, नॉन आईटीआई से, बहुत से भाई हमारे ये बोलते हैं कि एक्सपीरियंस के लिए जॉब बताइए, और आपको बता दूं कि मारुति सुजुकी तो बहुत सारे कैंपस लगते रहते हैं, लेकिन एक दर्द दुख की बात ये है कि यहाँ पर 7 मंथ के लिए रखा जाता है, बाकी TW CW का ये अलग ही क्राइटेरिया होता है। यहाँ पर बहुत से कम लोगों को मौका मिलता है, मौका भी मिलता है तो इतने सारे कैंडिडेट्स रहते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ये था, बाकी जो अदर कंपनी है वहाँ पर भी आप ट्राई कीजिए। मारुति सुजुकी तो ठीक है, मैं ये बोलूँगा कि 7 महीने में ही आप लखपति बन के वापस आ तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आईटी हम इस बात से कर रहे हैं कि मारुति सुजुकी ऐसी कंपनी में परमानेंट जॉब मिलेगी, तो ये बहुत दूर की बात हो चुकी है। हालाँकि हो सकता है आपके अंदर इतना टैलेंट हो तो आप वहाँ इतना खुश कर दें कंपनी वालों को, तो हो सकता है वो रख लें, वो अलग चीज़ है। लेकिन आजकल ज़्यादातर जो हमारे बच्चे देखे जा रहे हैं वो इनके पास 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस रखा हुआ है, मारुति सुजुकी का है या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का रखा हुआ है, पर उनको कहीं पर आज जॉब नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी भी कुछ गलती है और आपकी जो परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपका मिस्टेक हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इस लॉकडाउन के दौरान जो भी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से भी मिल पाता है, जो भी आपको लग रहा है सही, उसके माध्यम से आप कोई भी कदम उठाइए और अपने जांच पड़ताल से आपको कोई भी कदम उठाना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर वीडियो एंड करूँगा, जो भी आपका क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। तो चलिए आपसे दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।